ऐसा है, ये बजट मैंने अपने संसदीय जीवन में 25वां बजट देखे, इससे ज़्यादा निराशाजनक बजट आज तक कोई नहीं आया। हम लोगों को उम्मीद थी जो करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था हो, रोजी रोटी की व्यवस्था होगी, जिन्हें जिनके बच्चों को एक बूंद दूध नहीं मिल पा रहा है, जो सूखी रोटी खाने के लिए भी उन्हें कभी कभी तरसना पड़ता है, जो आत्महत्या कर रहे हैं लॉकडाउन के चलते, जिनको इधर से उधर शिफ्ट होना पड़ा, सब नौकरियां छूट गई, मजदूरी छूट गई, फैक्ट्रियां छोटी बड़ी सब दुकानें बंद हो गई, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जीवन को बचाना पहली आवश्यकता होती है किसी भी गवर्नमेंट की, और ये तो पब्लिक वेलफेयर स्टेट बताई जाती है। और चीज़ों पर खर्च रोका जा सकता है, लेकिन लोगों के जीवन बचाने के लिए जो खर्च होना चाहिए वो किया जाना चाहिए, इसमें कोई प्रोविज़न नहीं किसी तरह। किसान मर रहा है, कोई व्यवस्था नहीं, और केवल जीडीपी को थोड़ा सा रोकने का काम किया तो किसान नहीं किया, वही सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। तो न रोज़गार है न कुछ है, और ये 75 साल के उम्र से ज़्यादा वालों के पेंशन का जो बात है, तो जो वो नहीं दिया जाएगा, मालूम क्या है, जिन्हें पेंशन मिल रही है उन्हें उनके इंटरेस्ट ऑफ पेंशन, इसके अलावा अगर कोई भी आमदनी उस आदमी की है 75 साल से ऊपर वाले बूढ़े आदमी की, तो भरना ही पड़ेगा। तो ये तो शब्द जाल है। हमारे गांव में कहते हैं कि हवा में गांठें बांध रहे हैं, तो ये हमारी सरकार जो है हवा में गांठें बांध रही है, हवा में गांठें, और लोगों को मूर्ख बना रही है।